हेलो दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे हैं लूस एंड सामान्य ज्ञान के बारे में। तो पिछले लेक्चरों की बात कर लें तो पिछले लेक्चरों में हम लोग देख चुके हैं भारत का इतिहास, जिसमें बात कर चुके हैं प्राचीन भारत का, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। फिर चौथा लेक्चर था हमारा फोर्थ नंबर का विश्व का भूगोल। पांचवा लेक्चर था विश्व का भूगोल, ठीक है। तो प्राचीन, मध्य, आधुनिक काल का इतिहास, फिर बात किया था विश्व का इतिहास, फिर है विश्व का भूगोल। अब बात करते हैं हम लोग भारत का भूगोल। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य जानकारी के, देख लेते हैं भारत की। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसे इस तरह याद रख सकते हैं, 84 से 376 उत्तरी अक्षांश तक और 687 से 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,363 यानी कि 32,87,363, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। आठवां बड़ा देश है अर्जेंटीना और सातवां है भारत। जनसंख्या के मामले में सातवें दूसरे स्थान पर है इंडिया। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है? 16.7%। 2001 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 17.70%, ठीक है, यहाँ 17.7% है, याद रखना ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 17.7% विश्व की जनसंख्या का। जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश कौन कौन से? चीन, फिर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से थे? रूस, उसके बाद कनाडा था, फिर चीन था तीसरे नंबर पे, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर था अर्जेंटीना। इसमें चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस है। आगे देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर यानी कि 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? 2,933 यानी कि 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भागों की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा पर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है, जिसके साथ भारत की सीमा की लंबाई क्रमशः बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर, चीन के साथ 3,917 किलोमीटर, फिर है पाकिस्तान के साथ 3,310 किलोमीटर, फिर है नेपाल के साथ है 1,752 किलोमीटर, फिर है म्यांमार के साथ 1,458 किलोमीटर, भूटान के साथ 587 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ पीओके वाला
हिस्सा लगता है। भारत की जलीय सीमा 5 देशों से मिलती है। कौन कौन से? इसमें पाकिस्तान से भी मिलती है, मालदीव से मिलती है, श्रीलंका से मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है और म्यांमार से मिलती है। तो याद रखिए 5 देशों से जलीय सीमा मिलती है भारत की, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत की जल एवं थल सीमा से लगे देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। ठीक है, 3 देश लगते हैं जल एवं थल दोनों सीमाओं से। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा फॉल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिम बिंदु कौन है? सरकीक, गुजरात में। पूर्वी बिंदु क्या है? वलांगु, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है, एवं पॉइंट पेटो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, पाकिस्तान एवं भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अक्टूबर 1947 को सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। अब यही बात करते हैं, पड़ोसियों देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य देश हो गए, सबसे लंबा राज्य, तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, चीन से जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से राजस्थान, नेपाल से बिहार, म्यांमार से मिजोरम, भूटान से असम और अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बात करते हैं, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच समय के 5.5 घंटे आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, याद रखिए, जिसे मानक रेखा कहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। पूछा जा सकता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप लोगों को याद रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह निम्न राज्यों से होकर जाती है, तो अपन पश्चिम से चलिए, राजस्थान, कोई ट्रैक मत याद रखिएगा, राज्यों का क्रम याद रख लीजिए, उसी से याद बना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्व में 2 राज्य हैं, याद रखिए, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। किन-किन सो? मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 से। किन-किन से? याद रखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 से। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो याद रखिए, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा दोनों कॉमन देश कौन कौन से हैं, कॉमन राज्य जिनसे गुजरती है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की बात करें, तो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप, श्री भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान।
भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1200 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की है तटरेखा लंबी। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, और याद रखिए भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान की सीमा को से लगता है, पंजाब भी, राजस्थान और गुजरात चारों लगते हैं। कौन कौन से पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। आगे बात करते हैं, भारत एवं चीन की सीमा से लगे सटे राज्यों की बात करें तो जिसमें जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से तो लगती ही सीमा जम्मू कश्मीर की, लेकिन चीन से भी लगती है। फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्यों की सीमा लगती है चीन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की। म्यांमार की बात करें, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर है हमारा बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य, तो मिजोरम है इसमें, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल। 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। अब यही बात कर लेते हैं हम लोग भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। भारत के प्रमुख दर्रे, ये दर्रे हो गए, वो ये राज्य हो गए जिस राज्य में है। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वो बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुरजिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सिप कीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रोहितांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बड़ा लच्छा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। लिपू लेक दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। जे लेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यांग याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। दीप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, भारत में कुल 17 राज्य पड़ोसी, भारत में कुल 17 राज्य जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। कौन कौन की? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। ठीक है, किन की लगती हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब बात करते हैं, 3 ओवर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा को 3 ओवर से बांग्लादेश घिरे हुए है। अब बात करते हैं संकोस नदी, कौन सी? संकोस नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोस नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अगली बात करते हैं, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकीला निर्माण सतलज, सिपकीला का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जे लेपला का निर्माण तिस्ता नदी द्वारा हुआ है। तो जोजिला का दर्रे का निर्माण सिंधु नदी, सिपकीला दर्रे का निर्माण सतलज नदी, जे लेपला का निर्माण तिस्ता नदी द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर है। यह यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रे से। बुरजिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है, गिलगित को। बुरजिल दर्रा किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित। सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं।
चलिए अब बात करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7 भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मतलब 2135 मीटर या उससे अधिक है, 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हुई है, 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का भाग है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बात कर लें, प्रादेशिक विभाग और लंबाई विस्तार, तो पंजाब हिमालय इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायू हिमालय की लंबाई है 320 किलोमीटर सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाली हिमालय 800 किलोमीटर काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य है। असम हिमालय 720 किलोमीटर है तिस्ता एवं देहांग नदियों के मध्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां टैथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है, यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है अरावली की पहाड़ी। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली पहाड़ियां कहाँ है? राजस्थान राज्य में। और अरावली पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदी निकलती है। पश्चिम की ओर से लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एमेरल कहते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना है, इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है मालवा के पठार से। फिर यह विंध्याचल का पठार झारखंड उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। फिर यह मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर क्या है? अमरकंटक, जो 1036 मीटर है, 1036 मीटर। यह पुरानी चट्टानों को बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है। पश्चिम की ओर नर्मदा, उत्तर की ओर सोन और दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित सांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा भी कहा जाता है, क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है छोटा नागपुर का पठार। आगे बात करते हैं, सतपुड़ा पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में, ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। इसमें एक बात याद रखना, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, सतपुड़ा पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में हो, इनकी सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ की 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत श्रेणी पर है। ठीक है, यहां से ताप्ती नदी भी निकलती है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरद्वीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है।
पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं जो इसी एशियाई सिंहों के लिए विख्यात हैं। फिर दक्षिण का पठार महाराष्ट्र राज्य में है, यह ज्वालामुखी वैशाल चट्टानों को बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है, दक्षिण का पठार काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ियां हैं। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। अब यही बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में। ये दर्रा है, ऊंचाई है और स्थिति है। थाल घाट 580 मीटर नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोर घाट 520 मीटर मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पाल घाट 530 मीटर कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। सेनकोट 280 मीटर त्रिवेंद्रम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग है। ठीक है, आगे बात करते हैं। धार घाट धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस चट्टान के पश्चिमी भाग के में बाबा बुदन की पहाड़ियां एवं ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है जो एक ब्लैक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा 2637 2637 मीटर जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटक मंड इसी पहाड़ी पर है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को स्थल पर नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनईमुदी जिसकी ऊंचाई है 2696। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। याद रखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नीमुदी जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। और दूसरे नंबर पर दक्षिण भारत की चोटी डोडा बेटा जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। आगे बात करते हैं, अनीमुदी तीन पहाड़ियों केंद्र बिंदु है। यहाँ से तीन पहाड़ी श्रृंखलाएं तीन दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व की ओर पलानी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल पलानी की पहाड़ियों में स्थित है या तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। आगे बात करते हैं, भारत के पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहते हैं। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट कहते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है गोलकुंडा तट, गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। भारत के पूर्वी स्थित पूर्व तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तूतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून पॉलिकट चेन्नई चिल्कापुरी कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आपत्ति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा जाता है। गुजरात से गोवा तक तटीय कोंकण तट, याद रखें गुजरात से गोवा तक का
तटीय क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक का तटीय क्षेत्र कैनेरा तट कहलाता है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है, गोवा से गुजरात से गोवा तक क्या कहलाता है, कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक कैनेरा तट, और मंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मारमा गोवा में, बंगलोर कर्नाटक में, कोची केरल में, नेहा वासेवा महाराष्ट्र में। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। भारत में दो समूह हैं, दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब यहाँ जल प्रमुख जल विभाजक जल अंतराल की बात कर लेते हैं, नाम और इनकी अवस्थिति। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव व मिनी क्वाय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, मालदीव एवं मिनी क्वाय के मध्य। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनी क्वाय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। दूकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। कोको स्टेट एक कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य स्थित है। आगे बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां से चीन की निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। चीन बंगाल की खाड़ी में नदियों से जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जहां न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल में ही हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सैडल पीक 730 मीटर। याद रखे अंडमान निकोबार द्वीप के समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सैडल द्वीप पीक 730 मीटर। माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में, माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में तथा माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। केन्स आदि प्रदेशों का सबसे बड़ा पतन है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र में विलग है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है, इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। अनडेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्यों का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत में बैरन तथा नारकोन्नम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोन्नम दो सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं नदियों के बारे में। भारत की नदियां, ये नदी हो गई उद्गम हो गया, ये संगम या मुहाना हो गया, लंबाई हो गई और विशेष तत्व हैं इनके बारे में वो सब। तो सबसे पहले बात करते हैं सतलज। सतलज निकलती है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से, ऊंचाई समुद्र से 4555 मीटर ऊंचे से, और इसका संगम कहाँ है, चेनाब नदी में। लगभग 1500 किलोमीटर है इसकी लंबाई। भारत में कितनी है, 1050। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना तथा फिरोजपुर तटवर्ती नगर हैं इसके किनारे। फिर है सिंधु नदी, तिब्बत में मानसरोवर झील के
पास पास सानो ख्या बाबा बाब हिमनद से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। 2880 या 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई, भारत में है 1114 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सतलज है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है तथा झेलम है। फिर है रावी नदी, एक कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, चेनाव नदी में मिलती है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास हरी हरी के ऊपरथला के कुंड से 4,330 मीटर की ऊंचाई सतलज नदी पर यहाँ से निकलती है। 4,470 किलोमीटर की लंबाई है। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। फिर है झेलम नदी, बेरीनांग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है, चेनाब नदी में मिलती है। 724 इसकी लंबाई है, भारत में है 400 किलोमीटर। श्रीनगर में सिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। फिर है गंगा, तो ये गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती है, वही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, 2525 किलोमीटर है इसकी भारत में लंबाई। गंगा वास्तव में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि। अब यमुना नदी की बात करें, बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर प्रयाग स्थित बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयाग इलाहाबाद में मिल जाती है, गंगा में। ठीक है, इसकी 1,375 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, कैन, ये तीनों नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। फिर बात करते हैं चंबल की, तो मध्य प्रदेश में महू के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है और इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 1,050। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है चंबल नदी। इसकी सहायक नदियां हैं काली, सिंध, पार्वती, तिस्ता और बनास। रामगंगा की बात करें तो नैनीताल के समीप मुख्य कन्नौज मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग से निकलती है, कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। 696 किलोमीटर इसकी लंबाई। खोन इसकी सहायक नदी है। फिर शारदा, कुमायु हिमालय का से निकलती है, काली सिंध भी बोलते हैं, वो मिलान है इसका। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में 602 किलोमीटर इसकी लंबाई। सहायक नदियां हैं इसकी सरमा, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, चौकिया। फिर है घाघरा या करनाल या कोरियाला, नेपाल में तकला कोट से निकलती है और सैंतीस सारण तथा बलिया में जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है। ये सब 1028 इसकी लंबाई। शिवालिक को पार करते हुए शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण, चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। फिर बात करते हैं गंडक के बारे में, नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है इसे, नेपाल से निकलती है, पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। भारत में इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर। सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली गंगा, इसकी मिलने वाली गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। फिर कोसी, गोसाई थान चोटी के ऊपर से निकलती है और कारागोला के दक्षिण में पश्चिम में गंगा से मिल जाती है। 730 है इसकी लंबाई। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी, तिब्बत में पंगचू है। सहायक नदियां यारू, सोन कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीकू, दूध कोसी, भोट कोसी, तम्मा कोसी आदि। बेतवा नदी की बात करें, या इसे बेतवती कहते हैं,
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। ये सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। 780 किलोमीटर की लंबाई है। नर्मदा के समीप उद्गम है इसका। ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित हिमानी से निकलती है। तिब्बत में सांपू असम में दिहांग कहते हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। 2900 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। 916 है भारत में। प्रमुख सहायक नदियों में डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोवा, देहांग आदि है। अन्य सहायक नदी स्वर्णसिरी, धनसिरो, मानस, धारला, तिस्ता, बूढ़ी देहांग, धनसिरी, कुलसी, जिंज राम है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में खंबात की खाड़ी स्थित अमरकंटक, ये नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा के बजाय यह एस्टुरी बनाती है। फिर ताप्ती, ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। सूरत के पास खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई। डेल्टा के बजाय एस्टुरी बनाती है। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है इसकी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहागा के पास से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में महानदी मिलती है। कटक के समीप 815 इसकी लंबाई। ब्रह्मणी तथा बैतरणी सहायक नदियां इसकी। छिप्रा इंदौर जिले के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी में मिलती है। 560 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसके किनारे उज्जैन है। छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। माही नदी धार जिला है, मध्य प्रदेश के अमसोरा में मेहद झील से निकलती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। 585 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पर बजाज सागर बांध बनाया गया। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नांग पहाड़ से निकलती है। अरावली पर्वत से कच्छ की रन में मिलती है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं बाड़ी, सोपी, मिट्टी, मिट्टी या नमकीन नदी है। धार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। फिर सोम उदयपुर जिले के पीछा मेड़ा नामक स्थान पर है निकलती है और इसका मुहाना है बप्पेश्वर के समीप माही नदी में। जोखम, गोमती, सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित समुद्र जय समुद्र झील से निकलती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो साबर, हाथमती, मेस्वा, बेतरक, माजम है। आयर, बेडच या उदयपुर के उत्तर में गोमुंडा पहाड़ियों से निकलती है। चित्तौड़गढ़ के समीप बनास नदी में मिल जाती है। 190 किलोमीटर इसकी लंबाई। प्रारंभ में इसे आयड़ नदी एवं उदय सागर झील के पास बेडच नदी कहा जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप घाट पहाड़ियों से पश्चिमी घाट पहाड़ियों से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1401 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह। गोदावरी गोदावरी नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रयंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1465 किलोमीटर की लंबाई है कुल। इसे बेद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्योरा, पूर्णा, मंजरा,
वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सौरी। फिर कावेरी कर्नाटक के कुरुक जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्वपूर्ण महत्व बढ़ा देती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगभद्रा तथा समीप में काडूर से भद्रावती नदी का उद्गम होता है। एक कृष्णा नदी में मिल जाती है। 331 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी, हिंद। पेनार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 597 इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियां हैं पापाधनी और चित्रावती। दक्षिणी टोस एक कैमूर पहाड़ियों में स्थित सिरसा के समीप स्थित तमसा कुंड जलाशय से निकलती है और सिरसा के समीप गंगा में मिल जाती है। 265 इसकी लंबाई किलोमीटर। इस पर बिहार प्रपात स्थित है। पेरियार झील से निकलती है। यह नदी केरल में प्रभावित होती है। उमियम झील से मेघालय से निकलती है। एक छोटी नदी है। हुगली यह गंगा की एक सहायक नदी है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। बैगाई कंडन मणिकनयूर पश्चिम घाट में मदुरे के समीप से निकलती है, तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 288 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसकी सहायक नदियां हैं कुमम, वर्सानाड, सरीलियार, तेवियार, वराह, मंगलार। बात करते हैं आगे। नदी की लंबाई भारत भौतिक पर्यावरण वर्ग 2 NCERT के से ली गई है। इसका स्रोत है NCERT परिशिष्ट 3। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर ऊंचाई पर गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्थित है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर शतोपत हिमानी है, अलकापुरी हिमनद में। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ा है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है, उसके बाद गंगा बोला जाता है। जो गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और पावना के पूर्व गुलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बढ़ती हुई यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है, तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती है हुई समुद्र में मिलती है। मेघना की सहायक नदी वराक नदी है। उद्गम है इसका मणिपुर की पहाड़ी। सिंधु घाटी में केवल सिंधु भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से ऊपर जाती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। भारत इस समझौते के अनुसार भारत इस नदी विक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बेगाई। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटते क्रम है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। अब भारत की झीलों के बारे में बात कर लें। प्रमुख झीलें तो ये झील है और इस संबंधित राज्य डल झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर, बेरी नांग झील जम्मू कश्मीर, मानस वल झील जम्मू कश्मीर, राजसमंद झील राजस्थान, पिछोला झील ये राजस्थान में, सांवर झील
ये भी राजस्थान। सात ताल झील, ये उत्तराखंड। नैनीताल झील उत्तराखंड, राकस ताल झील उत्तराखंड, माला ताल झील उत्तराखंड, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील ये भी आंध्र प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में है, नागिन झील ये जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में है, अनंतनाग झील याद रखिए ये भी जम्मू कश्मीर में है, लोन करनासर झील ये भी राजस्थान में है, ये राजस्थान में, जय संबंध झील ये राजस्थान में, फतेह सागर झील ये राजस्थान में, डीडवाना झील ये भी राजस्थान में, देवताल झील उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड, खुरपाताल झील उत्तराखंड, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, बिम्मानर झील है केरल में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील जो उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है चिल्का झील ना। भारत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक खारे पानी की झील है सांवर झील जो राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है जो जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है पंजाब के रोपड़ जिले में। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुआ है। बोलसन पहाड़ियों से घिरे अपकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बोलसन कहते हैं। पिलाया चौरस सतह तथा अनप्रवाहित दौड़ी वाली छोटी झीलों को पिलाया कहते हैं। इसमें वर्षा की पानी जमा होती है परंतु जल्द ही भाप बनकर उड़ जाती है। सांवर झील एवं डिडवाना झील थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांबर झील बोलसन का, डिडवाना झील पिलाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी थी। अब बात करते हैं हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये सारावती नदी पर है, इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। येन्ना ये नर्मदा नदी पर है। जोग या गरसोप्पा सरावती नदी पर है, याद रखिए 255 मीटर। येन्ना नर्मदा नदी पर है, 163 मीटर ऊंचा है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, 90 मीटर ऊंचा है। गोकक नदी पर है, 55 मीटर ऊंचा है। पायकारा ये नील नदी क्षेत्र में है, नीलगिरी क्षेत्र में। फिर चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है, 18 मीटर है। उनासा चंबल नदी पर है, 12 मीटर ऊंचा है। बिहार टोंस नदी पर है, 100 मीटर ऊंचा है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, 10 मीटर है। हुंडरू ये स्वर्णरेखा नदी पर 74 मीटर ऊंचा है। अब बात करते हैं हम भारत की जलवायु के बारे में। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम की बात करें किसी स्थान पर थोड़े समय की जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 में आरंभ की गई थी तथा इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले कारक दो हैं, उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं उत्तर हिमालय के कारण। फिर दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपनी आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। मानसूनी
पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णता बदल लेने के कारण भारत में निम्न चार ऋतु चक्र पाए जाते हैं। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर, शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। ये तिथियां एक समान सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाले विलंब को इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। जाड़ों के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तट पर लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्व भारत में नार वेस्टर तथा बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में से चेरी विलास में कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होती है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे भारत में आम वर्षा भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंता उष्ण अभिसरण NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा की ओर पार कर फेरेल के नियम का अनुसरण करती हुई भारत में प्रभावित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित होते हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर की शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा कर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहां स्थित माओ सिनराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। याद रखिए, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है, तो यह माओ सिनराम मेघालय भारत में ही है। मानसून की अरब शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से, 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। मौसम के अनुसार वर्षा का वितरण की बात कर लें, वर्षा का मौसम, समयावधि और वार्षिक वर्षा का प्रतिशत। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक रहता है, 73.7%। पर्वती मानसून अक्टूबर से दिसंबर, 13.3%। पूर्व मानसून काल मार्च से मई, 10.0%। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जनवरी फरवरी, 2.6 यानी कि 2.6%। अरब सागर सागरीय मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है एवं वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध ना होने के कारण वर्षा का अभाव होता है राजस्थान में, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके समांतर पड़ती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है।
अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र गुजरात में काफी क्षति होती है। अब बात करते हैं हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी, याद रखिए कई बार इंग्लिश शब्द पूछ लेता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है, याद रखना। ऐसे भी ऐसे पूछ लेता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया, तो 8 भागों में। ठीक, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, पीटमय या और जैव मिट्टी, बनिए मिट्टी, 8 प्रकार की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी भारत के लगभग 22-30% क्षेत्रफल में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है इसमें, जलोढ़ मिट्टी में। यह 2 प्रकार की होती है, बांगर, खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के लिए की दृष्टि से काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। फिर हमारी काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग होता है डीटी, नेफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए, याद रखिए कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, अतः इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं काली मिट्टी में। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, तिरुनलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। फिर हमारी लाल मिट्टी, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होती है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी का लाल रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय, यह मिट्टी लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रयाग उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें, मोटे अनाज की कृषि होती है लाल मिट्टी में। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्वी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों में, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्व क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भाग में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। अब उसके बाद हमारी आती है लैटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसे आयरन एवं सिलिका की बहुलता की होती है। लैटेराइट मिट्टी में सेलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटेराइट या सफेद लैटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया। गहरी लाल लैटेराइट में लोह ऑक्साइड एवं पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भागों में खेती की जाती है। सफेद लैटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केरोलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। भूमिगत जलवायु लैटेराइट काफी उपजाऊ है, क्योंकि वर्षा काल में लोह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं।
लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं भारत की कृषि के बारे में। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर यानी बिना उपयोग की है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि या एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। 2009-10 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 14.6% है। 2008-09 में भारत के निर्यात में कृषि एवं उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात था 9.1%। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का 47% भाग चावल की खेती की जाती है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरे स्थान पर है। देश में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। तो याद रखिए, चावल और गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले पे कौन है? चीन। ठीक, देश में गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जबकि प्रति हेक्टर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं एवं चावल की कृषि पर पड़ा था, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई थी हरित क्रांति से। भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। याद रखिए, पूछा जा सकता है कभी भी, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई। भारत विश्व में उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। पोटासियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला नंबर है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, प्रथम पर चीन है। अब फसलें देख लेते हैं और प्रमुख उत्पादक राज्य देख लेते हैं। तो चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब। गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बाजरा की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं आंध्र प्रदेश। तिलहन की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। जौ की बात करें तो जौ में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब। गन्ना की बात करें तो गन्ना में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब। मूंगफली में गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चाय की बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। कहवा की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कपास की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। रबड़ की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पटसन की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल,
बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तंबाकू की बात करें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। काली मिर्च की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी। हल्दी की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार। काजू की बात करें तो केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण बात करें तो रबी की फसल, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसलें मुख्य हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। खरीफ की फसल की बातों करें तो जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इनमें मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। गर्मा फसलों की बात करें तो मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट, मड़ुआ। अब बात करते हैं आगे भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को तीन भागों में विभाजित किया गया, बेहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। बेहद सिंचाई परियोजना के अंदर वे परियोजना सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत 10,000 हेक्टर से अधिक भूमि कृषि योग्य भूमि है। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टर कृषि योग्य भूमि हो। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भी परियोजना सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2000 हेक्टर से कम कृषि योग्य भूमि हो। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है तथा 63% छोटी सिंचाई परियोजना के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र क्या है? चीन, 21%। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन है? चीन। विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र क्या है? भारत, 20.2%। अब सिंचाई के साधन देख लेते हैं, यही साधन और सिंचित भाग। कुआ व नलकूप से होती है 55.9%, फिर नहर है दूसरे नंबर पर 31.4%, तालाब 6.1%, अन्य स्रोतों में 6.6%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का के लगभग 33% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। वर्तमान समय में कुआ और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। 55.9% भूमि इसी से संचित होती है। देश में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट तमिलनाडु में 18%, महाराष्ट्र में 15.6%, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, पहले पर तमिलनाडु। केवल नलकूप की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब का सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है तालाब से। अब बात करते हैं भारत के खनिजों के संसाधनों के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं भारत के खनिज, देख रहे हैं खनिज संसाधन। भारत में खनिज के सर्वेक्षण एवं विकास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, तथा भारत खान ब्यूरो, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। तो यहाँ दो बातें याद रखना है, अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय खान ब्यूरो का जिसका मुख्यालय कहाँ है? इसका नागपुर में। अब बात करते हैं खनिज पदार्थ प्राप्ति स्थान और विशेष बिंदु इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लोहे के बारे में, लोहा के बारे में। तो उड़ीसा, इसमें सोनार, केओंझर, मयूरभंज, झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू एवं धनबाद। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर। कर्नाटक की बात करें तो बेलारी, चिकलमंगलूर, चीतल, दुर्ग। महाराष्ट्र की बात करें रत्नागिरी एवं चांदा। तमिलनाडु की बात करें सलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा। झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में देश का लगभग 75% लोहा प्राप्त किया जाता है। भारत लोहे के निर्यात में निर्यात जापान, चेक, स्लोवाकिया, इटली, श्रीलंका आदि को करता है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से
भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। फिर उसके बाद है मैगजीन मैगनीज, इसमें झारखंड सिंहभूमि, महाराष्ट्र नागपुर और भंडारा, उड़ीसा में क्योंझर सुंदरगढ़, आंध्र प्रदेश में काकुलमढ़ी, कर्नाटक में शिमोगा एवं बिल्लारी, गुजरात में पंचमहल, राजस्थान में बांसवाड़ा। मैगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। उड़ीसा देश का सर्वाधिक मैगनीज उत्पादन करने वाला राज्य है। फिर कोयला, झारखंड में धनबाद, सिंहभूमि, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, उड़ीसा में देसगढ़ तथा तलचर, असम में माकूम, लखीमपुर, महाराष्ट्र में चांदा, आंध्र प्रदेश में सिंगरेणी, मेघालय में जम्मू कश्मीर, नागालैंड में आदि में। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम तीन राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। एंथेसाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। फिर तांबा, तांबे की बात करें तो झारखंड सिंहभूमि, हजारीबाग, राजस्थान खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर, सिरोही। महाराष्ट्र की बात करें तो कोल्हापुर। कर्नाटक की बात करें तो चीतलदुर्ग, हासन, रायचूर। मध्य प्रदेश में बालाघाट, आंध्र प्रदेश अग्नि गुंडल। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है। राजस्थान के जवार खान से जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है। अगला है बॉक्साइड, बॉक्साइड उड़ीसा, झारखंड कोडरमा, हजारीबाग, बिहार में गया एवं मुंगेर, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी, राजस्थान में अजमेर, साहेबपुर, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर। भारत में बॉक्साइड का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में होता है, कुल उत्पादन का 50%। अब बैग की बात करें तो इसका झारखंड पलामू, गुजरात रवेड़ा, मध्य प्रदेश में कटनी, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, राजस्थान। अभ्यक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। राजस्थान में 51% अभ्यक उत्पादन होता है। ठीक, सोना, सोना के लिए कर्नाटक कोलार तथा हट्टी की खान, आंध्र प्रदेश अनंतपुर वारंगल, तमिलनाडु नीलगिरी एवं सलेम, झारखंड की सिंहभूमि। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98% भाग अकेले कर्नाटक राज्य में प्राप्त किया जाता है। फिर है जस्ता, राजस्थान उदयपुर उड़ीसा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, राजस्थान उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जवार खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम असम डेगवोई सुरमा घाटी, गुजरात में खंबात अंकलेश्वर, महाराष्ट्र में मुंबई आई। अब बात करते हैं यूरेनियम, झारखंड में रांची हजारीबाग सिंहभूमि, झारखंड प्रथम स्थान पर है यूरेनियम में। अरे मैग्नेजाइट उत्तराखंड राजस्थान तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इसका सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक भंडार है 68% उत्तराखंड में। थोरियम ये राजस्थान में पाली भीलवाड़ा में। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश है भारत। चांदी राजस्थान जवार की खान, कर्नाटक चित्तदुर्ग बेलारी, आंध्र प्रदेश कुड़प्पा गुंटूर, झारखंड संथाल परगना सिंहभूमि। क्रोमाइट की बात करें तो झारखंड उड़ीसा में, इसके उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। टंगस्टन राजस्थान तमिलनाडु कर्नाटक, इसमें मुख्य भंडार देगाना राजस्थान में है। हीरा की बात करें तो मध्य प्रदेश पन्ना खान है मध्य प्रदेश में। सीसा की बात करें झारखंड हजारीबाग राजस्थान चिचौली। लिगनाइट तमिलनाडु राजस्थान में, सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। भारत के उद्योगों की बात करते हैं आगे हम लोग, भारत के उद्योग तो पहले बात करते हैं लोह इस्पात उद्योग। कौन से लोह इस्पात उद्योग? देश में पहला लोह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बराकर लोहे कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने पर कारखाना 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी तट
घाटी में साक्ची नामक स्थान पर जमशेद टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लोहे इस्पात कारखानों की बात करें तो भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1908 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर की गई थी। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स तो 1923 में मैसूर राज्य में वर्तमान कर्नाटक में की भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई। इसका वर्तमान नाम विश्वरिया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है। फिर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1937 में वरनपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। बाद में 1953 में इसे भारतीय लोहे इस्पात कंपनी में मिला लिया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लोहे इस्पात कारखानों की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में 1956 से 61 में स्थापित कारखाने भिलाई इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला अब छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व में सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउल किला, इसकी स्थापना 1953 में उड़ीसा के राउल किला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, इसकी स्थापना 1956 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। ठीक, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट, तो इसकी स्थापना 1968 में तत्कालीन बिहार राज्य के अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर की गई थी सोवियत संघ की सहायता से। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में सलेम इस्पात सलेम तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट बेलारी जिला कर्नाटक में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी सेल की स्थापना 1974 में सरकार ने स्टील और अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। दुर्गापुर भिलाई राउल किला बोकारो वर्णपुर सलेम विश्वरिया आयरन स्टील कंपनी कप्यबंधन इसी के अधीन है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। 1938 में चार कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवाए, पश्चिम बंगाल के वेलूर, उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए थे। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडालको की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश के कोरवा नामक स्थान पर की गई थी। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैंटूर नामक स्थान पर स्थापित की गई। फिर सूती वस्त्र उद्योग। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कारखाना 1854 में बंबई में कवासजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य है। अन्य प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो याद रखिए इन चारों को। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। फिर है जूट का उद्योग। जूट उद्योग सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1859 में लगाया गया। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। भारत संपूर्ण विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। जूट उत्पादन से संबंधित प्रमुख स्थान देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल टीटागढ़, रिसरा, वाली, अगरपाड़ा, वांसवेरिया, कान किनारा, उलबेरिया,
श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, रियाल दह, बिरलापुर, होली नगर, बैरकपुर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो विशाखापट्टनम, गुंटूर। उत्तर प्रदेश की बात करें कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर। बिहार की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। अब बात करते हैं चीनी उद्योग। यह उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान राज्यों में है। इन राज्यों में निम्न शहर चीनी के उद्योग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देवरिया, भटनी, पड़रौना, गोरखपुर, गोरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर आदि। बिहार की बात करें तो मोतिहारी, सुगोली, मझोलिया, चनपटिया, नरक कटियागंज, मढ़ौरा, सासामूसा, गोपालगंज, मोतीपुर, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर, मुजफ्फरपुर आदि। महाराष्ट्र की बात करें तो मनसद, नासिक, अहमदाबाद, पूना, सोलापुर, कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल की बात करें तेलडांगा, नंगा, पलासी, हावड़ा, मुर्शिदाबाद। पंजाब की बात करें हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा की बात करें जगधारी, रोहतक। तमिलनाडु की बात करें अरकाट, मदुरै, कोटामंटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश की बात करें सीतापुरम, पीठापुरम, बेजवाड़ा, हासपेट, सावलकोट, हैदराबाद। राजस्थान की बात करें गंगानगर, भोपाल, भोपाल सागर आदि। अब सीमेंट उद्योग के देखते हैं हम लोग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में वेटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा था। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 में की अवधि में इंडियन सीमेंट सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 में की गई। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है, याद रखना। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों की। राजस्थान, जयपुर, लखेरी। मध्य प्रदेश की बात करें तो सतना, कटनी, जबलपुर, बनमोर, ग्वालियर, रतलाम। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंदार, अलकतरा। उत्तर प्रदेश की बात करें मिर्जापुर, चुरुक। झारखंड में जपला, खेलारी, कल्याणपुर, सेंदरी, झिंकपानी। उड़ीसा में राजगंगपुर। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मझेरिया, पनयम। कर्नाटक में भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बंगलोर। तमिलनाडु में डालमियापुरम, मधुकराय, तुलकापुरी। केरल में कोट्टायम। गुजरात में पोरबंदर, द्वारका, सीका, भावनगर, शिवालियम, लाना या। पंजाब में सूरजपुर, हरियाणा में चरखी दादरी। ठीक है, अब कागज उद्योग की बात कर लेते हैं। आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना 1716 में मद्रास के समीप ट्रंकवार नामक स्थान पर डॉक्टर विलियम कौर द्वारा स्थापित किया गया, जो असफल रहा। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है, याद रखना। कागज के उत्पादन में राज्य देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। टीटागढ़, रानीगंज, निहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, केनाड़ा, हुगली, बड़ानगर, सेवरा, फुली आदि। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजमहिंदी, सिरपुर, कागजपुर नगर, तिरुपति आदि। उत्तर प्रदेश में सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी, इलाहाबाद। झारखंड में संथाल परगना, बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर। मध्य प्रदेश में नेपा नगर अखराई कागज बनाने का सरकारी कारखाना है नेपा नगर में। तमिलनाडु पट्टी पलायम, सलेम,
चरण महादेवी, उदम लपेट तथा फालनी। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड़, पिंपरी, भिवंडी, रोहा। गुजरात की बात करें तो वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, वर्जोद, उदावाड़ा। अब बात करते हैं रासायनिक उर्वरकों के बारे में। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवार नामक स्थान पर लगाया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक सेंद्री में स्थापित किया गया। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उत्पादक उपभोक्ता है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों की खपत सबसे अधिक है। भारत के प्रमुख रसायन उर्वरक उत्पादक राज्यों की बात करें तो झारखंड सेंद्री, बिहार बरौनी, उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर इलाहाबाद, उड़ीसा में राउरकेला तलचर, राजस्थान में खेतड़ी सलादीपुर, कोटा, महाराष्ट्र में मुंबई ट्राम्बे, अंबरनाथ लोनी, पश्चिम बंगाल में बरनपुर, हल्दिया रिसरा तथा खांदा, कर्नाटक में मंगलोर बेलागुला तथा मुनीराबाद, तमिलनाडु में नेवली रानीपेट, इन्नौर कोयम्बटूर तुतीकोरन अवाड़ी मनाली। गुजरात की बात करें तो कांडला बड़ोदरा हजीरा भावनगर। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम मुलाली तादेपल्ली तुनुकु रामा गुड़म। ठीक, जलयान, चलिए हम देखते हैं जलयान निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिप गार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया। तो सबसे प्रथम कारखाना कब लगा? 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में, और इसी को 1952 में भारत सरकार ने अपने अधिग्रहण क्षेत्र में ले लिया और हिंदुस्तान शिपगार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जलयान का निर्माण करती हैं तो गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, गोवा शिपगार्ड लिमिटेड गोवा में है, मजगांव डाक लिमिटेड मुंबई में है, महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं वायुयान निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बंगलौर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलोर में ही इसकी 5 इकाइयां तथा कोरापुट, कोराव, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर में 1-1 इकाई वायुयानों के निर्माण का कार्य में संलग्न है। अब बात करते हैं मोटर गाड़ी उद्योग की। तो मोटर गाड़ी उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाई है हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई है, अशोक लेलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे में है, मारुति उद्योग के लिए गुड़गांव हरियाणा में, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलोर में। फिर बात करते हैं आगे सीसा उद्योग। भारत में सीसा उद्योग का भी केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने में मिलता है। इससे उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में मिलता है।
रोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आगे बात करते हैं सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्रों को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन है? बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसडा, बर्धमान, रानीगंज, आसनसोल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नैनी, इलाहाबाद, रामनगर, वाराणसी, बहजोई, मुरादाबाद, बाला, बाली, बिजनौर और फिरोजाबाद। झारखंड की बात करें तो कांडा, जमशेदपुर, भूरकुंडा, हजारीबाग, धनबाद। बिहार की बात करें तो पटना, कहलगांव। महाराष्ट्र की बात करें मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर, नागपुर। गुजरात की बात करें तो बड़ौदा, मोरबी। राजस्थान में जयपुर, अंडमे, अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलोर, गुवाहाटी। बात करते हैं दवा निर्माण उद्योग की। प्रमुख स्थान है इसके मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, मथुरा, हैदराबाद। अब बात करते हैं अभियांत्रिकी उद्योग की तो प्रमुख स्थान है हटिया, रांची में, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, नैनी, इलाहाबाद, बेंगलोर, अजमेर, जादवपुर, कोलकाता। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची की स्थापना 1958 में की गई। ठीक है, अब बात करते हैं रेलवे उपकरण की, रेल उपकरणों उपकरण उद्योग की। भारत रेल के इंजनों, सवारी डिब्बों तथा माल ढोने वाले डिब्बों के निर्माण में पूर्णता आत्मनिर्भर है। चितरंजन रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है पश्चिम बंगाल में। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई थी। वर्तमान में वहां विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है चितरंजन लोकोमोटिव में। ठीक है, डीजल से चलने वाली इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है उत्तर प्रदेश में। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेरम्बूर नामक स्थान पर 1925 में स्थापित किया गया। इसके अन्य प्रमुख केंद्र बंगलोर, कोलकाता में, पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। याद रखिए सबसे पहले चितरंजन पश्चिम बंगाल में हुई इस कंपनी की स्थापना। ठीक है, वही विद्युत इंजन का निर्माण कर रही है। फिर है डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। रेलवे इंजन निर्माण होता है जमशेदपुर में। ठीक है, बिजली के सामान की बात करें तो भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद के निकट रामचंद्रपुरम, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता में होते। टेलीफोन उद्योग की बात करें तो बंगलोर, रूप नारायणपुर, कोलकाता में। ऊनी वस्त्र, भारत में ऊन की पहली मिल 1870 में कानपुर में स्थापित की गई थी, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 ईस्वी के बाद हुआ। वर्तमान समय में ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में स्थित है। पंजाब में लुधियाना, जलंधर, धारीवाल, अमृतसर महत्वपूर्ण केंद्र इसके। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या है? मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर। पंजाब की बात करें तो अमृतसर, धारीवाल, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, कर्नाटक में बंगलोर, मैसूर। ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीन के महत्वपूर्ण आयातक हैं। बात करते हैं रेशम उद्योग की। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सहतूती, एरी, तसर, मूंगा सभी चार किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। भारत का 2/3 सहतूत रेशम कर्नाटक से प्राप्त होता है। गैर सहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार, मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, ऊधमपुर, अनंतनाग, बारामूला, पंजाब में अमृतसर, गुरुदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजापुर, वाराणसी, शाहजहांपुर। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुर्शिदाबाद,
बंकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना। तमिलनाडु की बात करें तो सलेम, तंजौर, काजीवरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर। बिहार की बात करें तो भागलपुर, गया, पटना। कर्नाटक की बात करें बंगलोर, मैसूर। गुजरात की बात करें अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग चरम उद्योग। भारत में चरम उद्योग के मुख्य केंद्र हैं कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना, बेंगलोर। कानपुर में चरम उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगरा में चरम उद्योग के लिए के लगभग 150 कारखाने। अब बात कर लेते हैं यही भारत में परिवहन, सड़क की बात करते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देश में से एक है। देश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 33.2 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो इसका निर्माण, प्रबंधन, रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इनका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसके तहत 66,590 किलोमीटर है लंबी सड़क है। यह संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपर्क कराती है। अब कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं। तो ये राष्ट्रीय मार्ग हुए, कहाँ कहाँ से जाते हैं, ये हुए कुल लंबाई की बात कर ले। तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक, संख्या एक, तो ये दिल्ली पाक सीमा तक है, दिल्ली से पाक सीमा तक। इसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो, तो ये दिल्ली से कोलकाता जाता है। याद रखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक कहां से जाता है, दिल्ली से पाक सीमा तक, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो दिल्ली से कोलकाता तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तीन, ये आगरा से मुंबई तक, इसकी लंबाई है 1161। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या चार, ये मुंबई से चेन्नई, इसकी लंबाई है 1415। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पांच, ये कोलकाता से चेन्नई, इसकी लंबाई है 1610 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात, छह, कोलकाता से मुंबई, 1945 यानी कि 1945 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात, ये वाराणसी से कन्याकुमारी, 2369 किलोमीटर, सबसे बड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ, दिल्ली जयपुर मुंबई, इसकी कुल लंबाई है 2058। ठीक है, एक बार बात और कर लेते हैं, लोग कहाँ से कहाँ तक जाते हैं ये ज्यादा याद रखिए, यही पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक, दिल्ली से पाक सीमा तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो, ये दिल्ली से कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तीन, ये आगरा से मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या चार, मुंबई से चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पांच, कोलकाता से चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या छह, कोलकाता से मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात, वाराणसी से कन्याकुमारी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ, दिल्ली से जयपुर। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, इसे 44 भी बोला जाता है, राजमार्ग 44, जो उत्तर प्रदेश में 128 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 504 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 232 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 753 किलोमीटर, कर्नाटक में 125, तमिलनाडु में 627 किलोमीटर है। ठीक है, कुल इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक और दो को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है, जीटी रोड। याद रखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक और दो को जीटी रोड बोला जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक वन ए वन ए एक ए में जवाहर सुरंग स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या वन ए में जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू कश्मीर, बसरी नगर होते हुए उरी तक जाता है।
जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ने वाली बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। तो यह ये भी याद रखिए, जम्मू और कश्मीर को कौन जोड़ता है? जम्मू और श्रीनगर को बनिहाल दर्रे में, बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग 7A 47A है, 47A है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर। अब बात करते हैं आगे सरडेन चतुर्भुज योजना, इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाएगा, जिनमें शामिल है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। कौन कौन है? दिल्ली, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं राजमार्गों की, राज्य राजमार्गों की, इसका निर्माण रखरखाव जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। मार्च 1997 में भारत सरकार में जवाहर रोजगार योजना वाली सड़कों को छोड़कर अन्य सभी पक्की एवं कच्ची सड़कों में की कुल लंबाई 24,65,877 किलोमीटर थी। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है? उड़ीसा। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व गोवा में है, सबसे कम जम्मू कश्मीर। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो BOT की नीति अपनाई। बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना, इसके अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांव को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। जिसका सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है लेह से श्रीनगर मार्ग, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी लंबाई ऊंचाई है 3,450 मीटर। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। इसके अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया एवं 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया। यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। एशिया का सबसे बड़ा रोप वे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं ओली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर। अब बात करते हैं रेल परिवहन की। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में मुंबई से थाड़े 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिए, भारत में सबसे पहले रेल व्यवस्था कहाँ शुरू हुई थी? मुंबई से थाड़े के बीच 1853 में 34 किलोमीटर। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब? 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर इंग्लैंड में। ठीक, भारत में 1853 और विश्व में 1825। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई। रेल वित्त को 1924-25 के बाद एडवर्ड कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। भूमिगत रेल की सुविधा कोलकाता एवं दिल्ली में, इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुई। याद रखिए, रेल बजट को अब सभी मिलाकर सामान्य बजट में मिलाकर पेश किया जाता है। ठीक है, 2017 से मिला दिया गया था, उसे एक कर दिया गया था। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे
रेलवे जोनों की संख्या मंडलों की 16 थी पहले, लेकिन अब 18 हुई। ठीक है, प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। तो याद रखिए 2019 की बात कर रहा हूँ, रेलवे जोनों की संख्या कितनी है मंडलों की, 18 है। लास्ट बना है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। ठीक है, 18वां। बड़ी लाइन 1,676 मीटर होती है, पटरियों की चौड़ाई। मीटर गेज 1,000 मीटर होती है, नैरो गेज 1,610 मीटर होती है। ठीक, बड़ी लाइन 1,676 मीटर, मीटर गेज की 1,000 मीटर, और नैरो गेज 1,610 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं भारत के रेल मंडलों एवं उनके मुख्यालय। ठीक, चलिए बात करते हैं पहले उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, उत्तर रेलवे। ठीक है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। ठीक, संक्षिप्त में उसे कहते हैं, नाम है इसका उत्तर रेलवे का उरे। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 14 अप्रैल 1952 में। ठीक, अब बात करते हैं दक्षिण, सॉरी उत्तर रेलवे नई दिल्ली में, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है चर्च गेट मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 5 नवंबर 1951 में। फिर दक्षिण रेलवे, इसका दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। इसकी स्थापना हुई थी दक्षिण रेलवे की 14 अप्रैल 1951 में। फिर पूर्वी रेलवे, कौन है पूर्व रेलवे, इसकी इसका मुख्यालय कोलकाता में। पूर्व रेलवे की स्थापना हुई अप्रैल 1952 में। फिर मध्य रेलवे, क्या है मध्य रेलवे, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल। मध्य रेलवे की स्थापना हुई 5 नवंबर 1951 में। ठीक है, फिर दक्षिण मध्य रेलवे, तो इसका मुख्यालय सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे, इसकी स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1966 को। फिर दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे, इसकी स्थापना हुई 1955 में। फिर पूर्वोत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय है गोरखपुर में, पूर्वोत्तर रेलवे, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। फिर उत्तर पूर्वी सी रेलवे, इसका मालेगांव में इसका मुख्यालय, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय का मालेगांव। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। और पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ है, हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर। अब वही देख लेते हैं हम लोग जो अभी नई बनी हुई है, एक बार अलग से उन्हें पूरा देख लेते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, 18 क्षेत्र हैं। ठीक है, याद रखिए ये मानचित्र है इसका। तो उत्तर रेलवे दिख ही रहा होगा आपको, कौन सा है उत्तर रेलवे,
इसे उरे बोला जाता है संक्षिप्त में। इसकी स्थापना हुई कब हुई इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 में। इसका मुख्यालय दिल्ली है। इसमें मंडल आते हैं अम्बाला, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद। ठीक है, फिर अपना दूसरा पूर्वोत्तर रेलवे, इसे ऊपरे बोला बोलते हैं। 1952 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय गोरखपुर में, इज्जत नगर, लखनऊ, वाराणसी इसका। फिर हमारा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसे पूसी रे बोलते हैं संक्षिप्त में। 1958 में इसकी स्थापना हुई। गुवाहाटी इसका मुख्यालय, अलीपुर द्वार, कटिहार, लामडिंग, रंगिया, तेनसुकिया इसके मंडल है। पूर्व रेलवे की बात करें तो पूरे बोलते हैं इसे संक्षिप्त में। इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1952 में। इसका मुख्यालय कोलकाता में, हावड़ा, रियालदह, आसनसोल, मालदा इसके मंडल है। बात करते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे की, तो इसे दपूरे बोलते हैं। इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसका कोलकाता है मुख्यालय। फिर है दक्षिण मध्य रेलवे, इसे दमरे बोलते हैं। 2 अक्टूबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। सिकंदरा में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। फिर है दक्षिण रेलवे, फिर दर्रे बोलते हैं इसे। 14 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना हुई। चेन्नई में इसका मुख्यालय। मध्य रेलवे 5 नवंबर 1951 में हुई इसकी स्थापना। मुंबई में इसका मुख्यालय। पश्चिम रेलवे, तो इसकी स्थापना 5 नवंबर 1951 में हुई। मुंबई में इसका मुख्यालय। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर दक्षिण पश्चिम रेलवे, 1 अप्रैल 2003 में इसकी स्थापना हुई। हुबली में इसका मुख्यालय। फिर है उत्तर पश्चिम रेलवे, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई। जयपुर में इसका मुख्यालय। पश्चिम मध्य रेलवे, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई। जबलपुर में है इसका मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे, 1 अप्रैल 2003 को हुई इसकी स्थापना। इलाहाबाद में है इसका मुख्यालय। फिर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, दपूमरे से संक्षिप्त में बोलते हैं। 1 अप्रैल 2003 में इसकी स्थापना हुई। बिलासपुर इसका मुख्यालय है। फिर पूर्वी पूर्व तटीय रेलवे, तो 1 अप्रैल 2003 में हुई इसकी स्थापना। भुवनेश्वर में है इसका मुख्यालय। फिर पूर्व मध्य रेलवे, 1 अक्टूबर 2002 में उसकी स्थापना। हाजीपुर में है इसका मुख्यालय। ठीक, आगे बात करते हैं। कोंकण रेलवे, तो के आर बोलते हैं। 26 जनवरी 1998 में हुई इसकी स्थापना। नवी मुंबई है इसकी मुख्यालय। ठीक, एक बात और कर लेंगे लोगों को बता दें, 18वां जो जोन बना है इसकी, गोयल साहब है अभी रेल मंत्री, तो पीयूष गोयल साहब, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए नए रेलवे जोन की घोषणा की है, जिसका मुख्यालय होगा विशाखापट्टनम में। ठीक है, अभी 2019 की बात है। तो ये थे हमारे रेलवे जोन मंडल, रेलवे मंडल। ठीक, आगे बात करते हैं। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी हिमसागर है एक्सप्रेस, जो कन्याकुमारी से जम्मू तक जाती है, तभी तक जाती है। इस दौरान वह 3,726 किलोमीटर दूरी तय करती है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो लेनिन ग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, 9,438 किलोमीटर लंबा है। भारतीय रेल व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2007 तक कुल 63,327 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। इसका लगभग 28% भाग विद्युतीकृत है। प्रथम बिजली से चलने वाली गाड़ी थी डेकन क्वीन, जो मुंबई से पुणे के बीच चली थी। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मुदगांव तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इस रेलवे पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1981 को हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कोलकाता मेट्रो रेल सेवा की बात करें तो 1972 में बनी है योजना और 1975 में अमल में आई।
दमदम से टालीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई, जापान कोरिया। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से साहदरा के बीच चलाई गई थी। रेलवे इंजन निर्माण की कारखाने चितरंजन वाराणसी भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर चेन्नई के निकट कपूरतला कोलकाता बैंगलोर में किया जाता है। अब बात करते हैं वायुयान वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिचालन हुआ। तो याद रखिए इलाहाबाद से नैनी 1911। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई कंपनी की। 1953 में सभी विमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया। एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया प्रमुख तत्व देखें तो मुख्यालय इसका एयर इंडिया का नई दिल्ली, निगमित कार्यालय मुंबई, शुभंकर है इसका महाराजा प्रतीक चिन्ह, उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग कोडार चक्र। भारतीय विमान निगम देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवा उपलब्ध कराता है। 1981 में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी। इसके बाद भारतीय विमान निगम में विलय हो गया इसका। अब देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं, ठीक। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है? संताकुल मुंबई में। याद रखिए जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा संताकुल कहाँ है? मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम ये कोलकाता में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। मीनाम्बिकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में है। गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अहमदाबाद में। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पणजी में। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में, ठीक। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम का विलय हो गया। यह दोनों कंपनी अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से कार्यरत हो गई है। कंपनी का ब्रांड है नाम है एयर इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया। प्राधिकरण में देश में 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 87 घरेलू हवाई अड्डे और 25 नागरिक विमान टर्मिनल सहित 127 हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रहा है। चलिए बात करते हैं हम लोग जल परिवहन के बारे में। केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में हुई। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। देश के जल मार्गों को दो भागों में बांटा गया, आंतरिक जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग यह परिवहन नदियों नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। अब बात करते हैं समुद्रिक जलमार्ग की। इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की कुल भूमि का 56% 56,000 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर 12 बड़े
185 छोटे व मझले बंदरगाह स्थित है। यही बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्गों की, तो NW फर्स्ट। तो इसका इलावा से हल्दिया तक है 1620 किलोमीटर, NW2 सदिया सादिया से धोबरी पट्टी तक 891 किलोमीटर, NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक 161 किलोमीटर, NW4 काकीनाडा से मरक्कानम तक 1100 किलोमीटर। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। बड़े बंदरगाहों पर नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की संवर्ती सूची में है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। देश का सर्वश्रेष्ठ और प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गुजरात में कांडला एवं एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कुद्देमुख से लोह एस का ईरान को निर्यात न्यू मंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाहों के बारे में, ठीक है? तो ये नाम हो गए, संबंधित राज्य हो गए, और नदी या खाड़ी समुद्र। कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पर। मुंबई महाराष्ट्र में, अरब सागर में। चेन्नई तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी। कोची केरल में, अरब सागर में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी। पारादीप उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी में। मार्मा गोवा ये गोवा में, अरब सागर। कांडला ये गुजरात में, अरब सागर। न्यू मंगलोर ये कर्नाटक में, अरब सागर। नेहा वसुआ ये जवाहर नेहरू महाराष्ट्र में, अरब सागर। एन्नोर ये तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी, ठीक है? आपको बता दें ये पुरानी लूसेंट है, इसलिए भारत की जनगणना 2011 दी गई है, 2001 दी गई। आपको बता दें एक लेक्चर हम लोग बना चुके हैं पहले जनसंख्या के संबंध में, तो याद रखिए, या तो आप वहां से पढ़ सकते हैं या कुछ मुख्य तत्व यहीं देख लेते हैं हम लोग, ठीक? मेन मेन तत्व देखेंगे, ठीक है? जो मुख्य तत्व वही वही उन्हीं की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? जनसंख्या के मामले में तो सबसे पहले नॉर्मल जानकारी दे दें आपको। संविधान, भारतीय संविधान की धारा 2001 की जनगणना देख रहे हैं, लेकिन हम लोग 2011 के भी सेंसस इसी में बताते चलेंगे, ठीक है? भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार का है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 पर अंकित है, ठीक? भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किसके काल में? 21 फरवरी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 17 फरवरी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। याद रखिए प्रथम जनगणना कब हुई? 21 फरवरी 1872 में। वो भारत में नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है? आपको बता दें लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, 2070 कर दिया गया है, ठीक है? आपको और जानकारी दे देगा
माल्थस ने दो सिद्धांत दिए, जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और संसाधन समांतर श्रेणी में बढ़ती है। याद रखिए 1971 में जनगणना नहीं हुई थी, ठीक है। जनगणना 2001 ईस्वी के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% थी। लेकिन आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 17.5%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो 2001 में कितनी थी, 1,02,87,37,436 व्यक्ति थे 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21 करोड़ कितनी थी, 1,21,93,422 कुल 2011 की जनगणना के अनुसार। आपको बता दें दोस्तों एक लेक्चर ही बना देंगे हम लोग, चाहे इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, 2011 की जनगणना के बारे में, तो वहां जाकर देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि कोई मतलब की है नहीं है 2001 की जनगणना, हमें तो 2011 की पढ़ना है ना, उसी से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और अब कुछ दिन में 2021 की आने वाली है, ठीक है। तो इसमें मेन मेन देख लेते हैं कुछ अगर है तो, ठीक है, वहां से आप पढ़ लेना एक बार, देख जरूर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो परियोजनाएं हो गई है, 2011 की जनगणना के जो सेंसस हैं वो हम आपको एक लेक्चर में इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, उसे जाके देख लें या कमेंट में सबसे ऊपर उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये नदी हो गई और लाभान्वित राज्य हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना, ये सतलज नदी पर, इससे लाभान्वित होने वाले पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान राज्य। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर, इससे कौन कौन लाभान्वित होते हैं राज्य, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है, राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश इससे भी लाभान्वित होते हैं। फिर है दामोदर घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी पर है, झारखंड पश्चिम बंगाल इससे होते हैं लाभान्वित। आगे बात करते हैं हीराकुंड बांध परियोजना, ये महानदी पर है, उड़ीसा इससे लाभान्वित होता है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। मयूराक्षी परियोजना, तो ये मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होता है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार एवं नेपाल इससे लाभान्वित होता है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार नेपाल इससे लाभान्वित होते हैं। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होते हैं। काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात इससे लाभान्वित होता है। तावा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना कोराड़ी नदी पर है, महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है, राजस्थान और पंजाब हरियाणा इससे लाभान्वित होते हैं। उकाई परियोजना ये भी ताप्ती नदी पर है, गुजरात इससे लाभान्वित होता है। पो चंपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। माल प्रवाह परियोजना माल प्रवाह नदी पर है, कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा इससे लाभान्वित होता है। रिहंद
योजना रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु इससे लाभान्वित होता है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड इससे लाभान्वित होते हैं। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल इससे लाभान्वित होता है। टेहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड इससे लाभान्वित होता है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लाभान्वित होता है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र से लाभान्वित होता है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, उत्तर प्रदेश से लाभान्वित होता है। ऊपरी कृष्ण कृष्णा परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक से लाभान्वित होता है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक से लाभान्वित होता है। भीमा परियोजना ये पवना नदी पर है, महाराष्ट्र से लाभान्वित होता है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कर्नाटक से लाभान्वित होता है। जयकावाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र से लाभान्वित होता है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब से होता है लाभान्वित। हेडकल परियोजना घाट प्रवाह नदी कर्नाटक से लाभान्वित होता है। सतलज परियोजना चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर से लाभान्वित होता है। नाथला झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश से होता है लाभान्वित। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है, गुजरात से लाभान्वित होता है। कोल ड्रैम परियोजना ये सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश से लाभान्वित होता है। कांग सावती परियोजना ये कांग सावती नदी पर है, पश्चिम बंगाल से लाभान्वित होता है। पराम्बी कुलम अलियार परियोजना आठ छोटी नदियों पर है, तमिलनाडु एवं केरल से लाभान्वित होते हैं। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर है, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से लाभान्वित होते हैं। गिरनार परियोजना गिरनार नदी पर है, गिरना नदी महाराष्ट्र से लाभान्वित होता है। शारदा परियोजना शारदा एवं गोमती नदी पर है, उत्तर प्रदेश से लाभान्वित होता है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है, महाराष्ट्र से लाभान्वित होता है। बारगी परियोजना बारगी नदी पर है, मध्य प्रदेश से लाभान्वित होता है। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पर है, मध्य प्रदेश से लाभान्वित होता है। दंडकारण्य परियोजना इससे उड़ीसा और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। सरावती परियोजना सरावती नदी पर है, कर्नाटक से लाभान्वित होता है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, झारखंड पश्चिम बंगाल से लाभान्वित होते हैं। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश से लाभान्वित होता है। वाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लाभान्वित होते हैं। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लाभान्वित होते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान इससे लाभान्वित होता है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान इससे लाभान्वित होता है। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है, हरियाणा से होता है लाभान्वित। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित होता है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित होता है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, झारखंड इससे लाभान्वित होता है। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर होता है, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अब नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों को देख लेते हैं। तो आगरा यमुना नदी के किनारे, बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के, फिरोजपुर सतलज नदी के, अयोध्या सरयू नदी के, कोलकाता हुगली नदी के, लखनऊ गोमती नदी के, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, मथुरा यमुना नदी के, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, अहमदाबाद साबरमती, पंडरपुर भीमा नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, कुरनूल तुंगभद्रा नदी, सुकुवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी, पटना गंगा नदी क्या है गंगा नदी, श्रीनगर झेलम नदी, सूरत ताप्ती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, कोटा चंबल नदी, कटक महानदी, नासिक गोदावरी नदी, संबलपुर महानदी, श्रीनगरपुर श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी,
बरेली, रामगंगा नदी, ओरछा, बेतवा नदी के किनारे, उज्जैन, छिप्रा नदी के, वाराणसी गंगा नदी, लुधियाना सतलज नदी के, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं भारत की पर्वतीय नगर के बारे में। ठीक है, तो पर्वतीय नगर हो गए, राज्य हो गए और ऊंचाई। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 2651 मीटर है। शिमला हिमाचल प्रदेश में 2206 मीटर। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल 2134 मीटर। लैंसडाउन उत्तराखंड 2118 मीटर। मंसूरी उत्तराखंड 2005 मीटर। मुक्तेश्वर आए मुक्तेश्वर ये उत्तराखंड 1974 मीटर। कसौली हिमाचल प्रदेश 1890 मीटर। गंगटोक सिक्किम 1850 मीटर। रानीखेत उत्तराखंड 1829 मीटर। मिरिक पश्चिम बंगाल 1800 मीटर। कोटलिम तमिलनाडु 1676 मीटर। अल्मोड़ा उत्तराखंड 1646 मीटर। सोलन हिमाचल प्रदेश 1496 मीटर। एरकाड तमिलनाडु 1459 किलोमीटर। कालीमपोंग ये पश्चिम बंगाल 1250। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश 1250। पंचगनी महाराष्ट्र 1219 मीटर। पचमढ़ी मध्य प्रदेश 1067 मीटर। केमानगुंडी कर्नाटक 914 मीटर। मंडी हिमाचल प्रदेश 709 मीटर। खंडला महाराष्ट्र 620 मीटर। ऊटी तमिलनाडु 2286 मीटर। पहलगांव जम्मू कश्मीर 2195 मीटर। कोडाई कनाल तमिलनाडु 2133 मीटर। डलहौजी हिमाचल प्रदेश 2035 मीटर। कोटगिरी तमिलनाडु 1981 मीटर। नैनीताल उत्तराखंड 1938 मीटर। कुन्नूर तमिलनाडु 1859 मीटर। मनाली हिमाचल प्रदेश 1829 मीटर। रांची झारखंड 670 मीटर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर 1768 मीटर। ठीक है, भुवाली उत्तराखंड 1650 मीटर। शिलांग मेघालय 1496 मीटर। नदी हिल्स कर्नाटक 1474 मीटर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र 1372 मीटर। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश 1250 मीटर। माउंट आबू राजस्थान 1219 मीटर। मन्नार केरल 1158 मीटर। सपूतारा गुजरात 975 मीटर। पेरियार केरल 914 मीटर। लोनावाला महाराष्ट्र 620 मीटर। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय अभयारण्य। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में, इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, इसे टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में, इसका नाम है हिमिस। यह 3550 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। राष्ट्रीय उद्यान राज्य और प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों की बात करते हैं। पलामू बेतला अभयारण्य झारखंड में, हाथी हिरण तेंदुआ सांवर जंगली सुअर पाए जाते हैं। दालमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड, हाथी तेंदुआ हिरण भालू जंगली सुअर पाए जाते हैं। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य झारखंड, भालू तेंदुआ चीतल सांवर जंगली सुअर पाए जाते हैं। ठीक, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार, बाघ नीलगाय घड़ियाल सांवर तेंदुआ पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, शेर सांवर तेंदुआ जंगली सुअर पाए जाते हैं। नल सरोवर
अभ्यारण गुजरात, जल पक्षी पाए जाते हैं। कारवेड राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, हाथी बाघ, चीता हिरण, भालू, नीलगाय, सांवर जंगली सुअर पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, बाघ, सांवर, नीलगाय, तेंदुआ, हिरण पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा अभ्यारण उत्तर प्रदेश, भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांवर पाए जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, हाथी, तेंदुआ, हिरण, चीतल, सांवर पाए जाते हैं। भद्रा अभ्यारण कर्नाटक, भालू, हाथी, सांवर, तेंदुआ, हिरण पाए जाते हैं। सोमेश्वर अभ्यारण कर्नाटक, जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ, सांवर पाए जाते हैं। तुंगभद्रा अभ्यारण कर्नाटक, तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, चौसिंगा एवं पक्षी पाए जाते हैं। पखाल वन्य जीव अभ्यारण आंध्र प्रदेश में, तेंदुआ, सांवर, भालू, जंगली सुअर पाए जाते हैं। कावला वन्य जीव अभ्यारण ये भी है आंध्र प्रदेश में, तेंदुआ, सांवर, भालू, जंगली सुअर, चीतल पाए जाते हैं। फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में, हाथी, भालू, एक सींग वाला गैंडा, लंगूर, हिरण पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, एक सींग वाला गैंडा, जंगली सुअर, भैंसा पाया जाता है। घना पक्षी विहार राजस्थान में, सांवर, काला हिरण, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल और साइबेरियन केन पाए जाते हैं। रणथंभौर अभ्यारण राजस्थान में, बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय, सांवर पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण राजस्थान में, नीलगाय, सांवर, भालू, जंगली सुअर पाए जाते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, तेंदुआ, सांवर, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीतल। तनसा अभ्यारण महाराष्ट्र में, तेंदुआ, सांवर, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीतल पक्षी। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में, यहाँ लंगूर, हिरण, सांवर, तेंदुआ, जंगली सुअर पाए जाते हैं। अगोहर अभ्यारण ये पंजाब में, जंगली सुअर, हिरण, नीलगाय, काला हंस, कबूतर पाए जाते हैं। चिल्का अभ्यारण उड़ीसा में, कैन, जलकुआ, पिलीवन प्रवासी पक्षी आते हैं। सिमली पाला अभ्यारण उड़ीसा में, हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांवर, हिरण, मगरमच्छ। वेदांत गल अभ्यारण ये तमिलनाडु में, जलीय पक्षी पाए जाते हैं। इंदिरा गांधी अभ्यारण ये तमिलनाडु में, हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांवर, रीछ, भालू, जंगली कुत्ता, लंगूर पाए जाते हैं। मुदुमलाई अभ्यारण ये तमिलनाडु में, हाथी, तेंदुआ, सांवर, हिरण, जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। डंफा अभ्यारण ये मिजोरम में, कोबरा, बिल्ली, फिजेंट पाए जाते हैं। पेरियार अभ्यारण ये केरल में, हाथी, तेंदुआ, सांवर, हिरण, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर पाए जाते हैं। परम्बिकुलम अभ्यारण ये केरल में, हाथी, सांवर, नीलगाय, जंगली सुअर, हिरण, तेंदुआ पाए जाते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांवर, भर, बारहसिंघा। पचमढ़ी अभ्यारण मध्य प्रदेश में, बाघ, तेंदुआ, सांवर, नीलगाय, चीतल, हिरण, भालू, जंगली भैंसा। रांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में, तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरण पाए जाते हैं। फिर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी जम्मू कश्मीर में, काली हिरण, जंगली याक, तिब्बती गधा, पहाड़ी तेंदुआ पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में, बाघ, तेंदुआ, सांवर, भालू, नीलगाय, सुअर, तीतर पाए जाते हैं। फिर लागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, हाथी, तेंदुआ, सांवर, भालू, चकोर, तीतर। पखोई वन्यजीव अभ्यारण अरुणाचल प्रदेश में, हाथी, हिरण, अजगर, सांवर यहाँ पाए जाते हैं। सुल्तानपुर झील अभ्यारण हरियाणा में विभिन्न जल पक्षी हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ यहाँ पाए जाते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बाघ, हिरण, मगरमच्छ। भगवान महावीर उद्यान गोवा में है, हिरण, चूहा, शाही सांवर। नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में, हाथी, बाघ, हिरण, सांवर, भालू यहाँ पाए जाते हैं। किबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, हिरण, जंगली बकरी, जल पक्षी पाए जाते हैं। शीतकाल में भारत में साइबेरियन सारस, केवलादेव, घना पक्षी विहार राजस्थान में दिखाई देते हैं। अब भारत के प्रमुख भौगोलिक नामों की बात कर लेते हैं। तो ये भौगोलिक नाम हो गए, ये शहर हो गए, भौगोलिक उपनाम हो गए शहर, ठीक है। तो ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? प्रयाग को। पांच नदियों की भूमि पंजाब को। सात टापुओं का नगर मुंबई को। बुनकरम का शहर पानीपत को।
अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, डायमंड हार्बर कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोची, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरल को, गुलाबी नगर जयपुर, क्वीन ऑफ डेकन पुणे को, भारत का हॉलीवुड मुंबई को, झीलों का नगर श्रीनगर, फलों फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को, पूर्व का पेरिस जयपुर को, साल्ट सिटी गुजरात को, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को, त्योहारों का नगर मदुरई को, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, महलों का शहर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ, इस्पात नगरी जमशेदपुर, पर्वतों की रानी मसूरी, रैलियों का नगर नई दिल्ली, अरब सागर का की रानी कोची, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, उत्तर भारत पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, मंदिरों का एवं घाटों का नगर वाराणसी, धान की डलिया छत्तीसगढ़, भारत का पेरिस जयपुर, मेघों का घर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पहाड़ों की नगरी दुरंग डूंगरपुर, भारत का उद्यान बंगलोर, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, गोल्डन सिटी अमृतसर, सूती वस्त्रों का की राजधानी मुंबई। ठीक, वे भी बचे हुए मलय का देश कर्नाटक, सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, काली नदी शारदा, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को, एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, राजस्थान का हृदय अजमेर, सुरमा नगरी बरेली, खुशबू का नहर कन्नौज, काशी की बहन गाजीपुर, लीची नगर देहरादून, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, सुपर प्रसादित नगर चेन्नई, कर्नाटक का रतन मैसूर, पवित्र नदी है गंगा, बिहार का शोक कोसी, वृद्ध गंगा गोदावरी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर, कोट्टायम की दादी मलयाला, जुड़वा नगर है हैदराबाद सिकंदराबाद, ताला नगरी अलीपुर अलीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर, पीठा नगरी है आगरा, भारत का टोली बोर्ड है कोलकाता, वन नगर देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, कोयला नगरी धनबाद। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी भी देख लेते हैं। बिहार की है पटना, असम की है दिसपुर, भुवनेश्वर की है उड़ीसा की है भुवनेश्वर, कर्नाटक की है बंगलोर, गांधी गुजरात की है गांधीनगर, तमिलनाडु की है चेन्नई, नागालैंड की कोहिमा, हरियाणा की चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की भोपाल, मेघालय की शिलांग, हिमाचल प्रदेश की है शिमला, मिजोरम की आइजोल, गोवा की पणजी, छत्तीसगढ़ की रायपुर, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, केरल की तिरुवनंतपुरम, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। याद रखिए 2019 की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया वहाँ से, सब अब दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया अलग जम्मू कश्मीर। ठीक है, त्रिपुरा की अगरतला, पंजाब की चंडीगढ़, इम्फाल मणिपुर की, महाराष्ट्र की मुंबई, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, देहरादून की है उत्तराखंड, रांची की है झारखंड की है रांची। आपको बता दें आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करके नया राज्य बनाया गया था 2014 में 2 जून को। ठीक है, तो उसकी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक है, दिल्ली की नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कवरत्ती, दमन द्वीप की दमन, अंडमान निकोबार द्वीप की पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पुडुचेरी की पुडुचेरी, सिलवासा की दादर व नगर हवेली की सिलवासा। भारत की जनजातियों की बात कर लें तो गुजरात में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील बंजारा कोली पटेलिया डाफर टूडिया आदि। हिमाचल प्रदेश की बात करें गड्डी अथवा गुड्डी कनौरा लाहौली आदि। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बकरवाल गद्दी लद्दाखी गुज्जर। केरल की बात करें तो कादर ओराली मोकला इरूला पनियान। मध्य प्रदेश की बात करें तो भील लंबाड़ी बंजारा गौड़ आबूज मारिया मुरिया बिशनहार
गोंड केरवार, असुर बेगा, कोल मुंडा। महाराष्ट्र की बात करें तो वारली, बंजारा, कोली, चिंतपावन, गोंड, अबुम्फा, मड़िया आदि। मणिपुर में कुकी, मेटी, मेठी, नागा, अगामी। मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर। मिजोरम की बात करें तो लाखर, पाओ, मेजो, चकमा, लुसाई, कुकी। नागालैंड की नागा, नबुई नागा, अंगामी, मिकिर। उड़ीसा जुआंग, खरिया, भुया, संथाल, हो, कोल, उराव, चेचू, गोंड, सोन। राजस्थान की बात करें तो मीड़ा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। सिक्किम की बात करें तो लेपचा। तमिलनाडु की बात करें बड़गा, टोड़, कोटा, कोटा, टोड़ा, नीलगिरी की मूल जनजाति है टोड़ा। त्रिपुरा की बात करें रिहांग अथवा त्रिपुरी। उत्तराखंड की बात करें थारू, कोए, मारा, नीति, बोहट अथवा भोटिया, गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र की है, खास जौन सर बाबर क्षेत्र की। पश्चिम बंगाल की बात करें लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा, दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती है। असम की बात करें राभा, दिमारा, कुछारी, बोडो, अबोर, आवो, मेहर, नागा, लुसाई। आंध्र प्रदेश की बात करें चिंचुस, कोड़ा, सवारा, गढ़वा, गदवा, गोंड। अरुणाचल प्रदेश की बात करें मोकला, डकला, सुलोंग, सिस्मी, मिसमी, मिन योंग, मिरेंग, मृगेलोंग, आपत्नी, मेजी। झारखंड की बात करें संथाल, मुंडा, हो, उराव, बिरहो, कोरबा, असुर, भुया, गोंड, सुरिया, भूमिज। ठीक है, तो ये था हमारा भारत का भूगोल। ठीक है।